जय शिवान गॉड का विसर्जन कराने की अब क्या चाहती हूँ। Warm welcome to you for Virangana 2019. I think let's give ourselves a big round of applause. I won't take up more time because I know you're waiting to listen to our chief guest as impatiently as I am. Major General Sehgal, we are absolutely delighted, honored and privileged that you are here with us. You've had such an illustrious career. And I'm sure that today you will have a very powerful message to share with the students sitting here. Shuru kar. Honorable Principal, my colleague from the Army, मेरे देश के बहुत ही अद्भुत सैनिकों, फैकल्टी मेंबर्स और हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया बच्चों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बार बार मौका दिया जाता है आपसे बातचीत करने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं तकरीबन देश के अंदर 13 लाख बच्चों को संबोधित कर चुका हूँ, स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, IITs के और IIMs के। हर महीने मैं 10,000 बच्चों को संबोधित करता हूँ कि आज के माहौल में अच्छी रोजी रोटी कमाने के सबसे बढ़िया साधन क्या है, उनको कैसे बनाया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के बाहर जाके 35 देशों के बच्चों के साथ भी बातचीत की है। हर बारी जब मैं देश से बाहर जाता हूँ और बाहरी बच्चों से बातचीत करता हूँ तो मुझे वास्तव में महसूस होता है कि दिमागी तीव्रता और दिमागी शक्ति में हिंदुस्तान के बच्चे अद्भुत हैं। जो आप में काबिलियत है दुनिया के किसी देश में भी नहीं है। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हिंदुस्तान के बच्चे उठ खड़े होंगे तो वास्तव में दुनिया को हिला देंगे। उन्होंने 1893 में कहा था कि मैं बहुत आगे तक देख सकता हूँ, दुनिया में बड़ा हाहाकार मच जाएगा। उस समय एक देश उठ के खड़ा होगा जो वास्तव में दुनिया में माहौल को सही करेगा और विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा, और वो देश होगा हिंदुस्तान। मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है। Thank you for inviting me for this NCC Fest, and I am proud to see that so many of you in uniform. It's a matter of pride for me to be standing here and seeing you all in such great enthusiasm and uniform. And I am sure a lot of colleges would have come and participated for this NCC Fest. नमस्कार, मैं पुष्पा फोरम फोर्स और आज हम मौजूद हैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में, जहां पर एनसीसी का 5th एनुअल फेस्ट वीरांगना का आयोजन किया गया है और जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल पी के सहगल को बुलाया गया है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जो फेस्टिवल था बहुत ही अद्भुत था। कॉलेज की क्लीनलीनेस गजब की है, कॉलेज का MES गजब का है। साफ तौर पर नज़र आता है कि बच्चों को बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है फॉर गुड एंड कंड्यूसिव लर्निंग, एंड आई एम वेरी सर्टन दैट दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। बच्चों में बड़ा जोश नज़र आया, बच्चों में बड़ी हिम्मत नज़र आई, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान थी, जिससे साफ तौर पर नज़र आता है कि दे आर श्योर ऑफ देमसेल्फ और आने वाले समय में अपने लिए और देश के लिए कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं। NCC के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके जो सारे टैलेंट्स हैं, उनकी जो सारी ट्रेनिंग है, देखिए उनको ट्रेनिंग मिलता है ड्रिल में, गार्ड ऑफ ऑनर में,
और उन इस ये सब जो ट्रेनिंग उनको अलग अलग जो ट्रेनिंग उनको मिलती है इन सब चीज़ों से उनमें जो एक फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बहुत रिमार्केबल है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं ये इन सब चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ये प्रेजेंट भी करते हैं और कम्पीट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो रोज़ ये लोग सीखते हैं, इसको वो जाहिर भी करते हैं, और क्योंकि ये एक मुकाबला है तो मुकाबले का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही आनंद है, और इस आनंद का वो पूरा भोग करते हैं। ये कहना चाहूँगी। और इसके अलावा जब वो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स of the students in organizing a festival of this sort, वो organizational skills भी हम देख सकते हैं। चाहे आप anchoring देख लो, piloting देख लो, चाहे आप decorations देख लो, एक एक चीज़ का ध्यान बच्चों ने खुद ही रखा है। तो ये भी एक तरह का training है, एक event को कैसे organize करना चाहिए। पहला तो एक कॉलेज का डेकोरम देख के हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे मेंटेनेंस कर रखी है, जैसे लग रहा था कि पता नहीं हम तो किसी गार्डन में घूम रहे हैं। उसके बाद ड्यू के अंदर का सबसे अच्छा कॉलेज है, उसके बाद हमने देखा ये गर्ल्स कॉलेज है, तो हमने यहाँ पे खेलने की सोची और हम टग ऑफ वॉर के अपनी टीम लेके आए हैं गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और जीतने की तो पूरी कोशिश ही है। ऑल ओवर ड्यू के कॉलेज के अंदर मैचेज है एनसीसी फेस्ट के अंदर, जिसमें एनसीसी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सारे। इसमें जो फिफ्थ एनुअल फेस्ट चल रहा है एनसीसी का, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। फिफ्थ एनुअल एनसीसी फेस्ट जो है, बहुत सारे जूनियर्स ने भी, हम लोग सीनियर्स ने भी मिलके बहुत ज़्यादा मेहनत की है। डेकोरेशन आप जैसे देख रहे हो, हम लोग अराउंड एक महीना पहले ही इस फेस्ट को करने में लग गए थे, और हमारे स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया। और बाकी जैसे एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसी के साथ हम अपना एनसीसी फेस्ट को सक्सेसफुली एंड करें। एनसीसी में आप लोगों को और क्या सिखाया जाता है? एनसीसी में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ मैं एक वर्ड में वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, कैसे हम एक मोटिवेटेड यूथ की तरह अपने, मतलब अपने कंट्री के लिए बहुत एक मोटिवेटेड यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। और एनसीसी हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है जिससे हम आगे जाके अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ओके, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है एनसीसी एलुमनी क्लब के सेक्रेटरी सीताराम जी, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आप जो एनसीसी के स्टूडेंट्स, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आज देश का माहौल जिस तरीके से चल रहा है, कई आतंकी अटैक देश पर हो रहे हैं, कई जो हमारी आर्म फोर्सेस पर, उन पर कई आक्रमण हो रहे हैं, कई अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता है कि एक देश का युवा क्या करेगा आगे, हमारी सेना का कैसे बचाव कर सकता है और कैसे देश की सेना के साथ कदम से कदम मिला के चल सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सपोर्टिव अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो एनसीसी है। एनसीसी देश की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी कोई अटैक होता है, चाहे वो 1965 का वॉर ले लो, एनसीसी कहीं ना कहीं सेना के साथ फ्रंट में रही है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, चाहे वो एनसीसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कैरियर के साथ साथ एनसीसी को लेकर चलें, और आगे जहाँ भी उनको सेना के साथ कदम से कदम मिलाने की ज़रूरत पड़ती है वो उनके साथ चलें, और जहाँ अगर वो सी सर्टिफिकेट करते हैं उसके बाद जो कैरियर में जाते हैं वो SSB देने जाते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आफ्टर एनसीसी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस में जाना चाहे तो तभी आप देश सेवा कर सकते हैं, आप कई फील्ड में भी जा सकते हैं, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। अगर आप एनसीसी सिर्फ अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। आइए हम बात करते हैं एनसीसी की कोऑर्डिनेटर देबा हुती मैम से।
सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो मेरे लिए ये था कि मैं एज अ इंचार्ज एनसीसी में ज़रूर हूँ, बट फॉर्मली मैंने कभी एनसीसी किया नहीं है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज सबको लगता है द वे आई हैव बीन मैनेजिंग कि आई एम एन ऑफिशियल एनसीसी कैडेट, बट ऐसा नहीं है. सेम एज क्योंकि ना मेरा स्कूल में एनसीसी था, आई हैव डन फ्रॉम दिल्ली ओनली, बट हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं था. एंड स्पेशली कॉलेज में एज अ कोऑर्डिनेटर अपने बच्चों को एनसीसी करते हुए देख के आई डेफिनेटली फील कि एवरी स्कूल शुड हैव दिस. इट्स अ बेस, मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चों को आगे के लिए बहुत अच्छे से शेप करता है, हर चीज़ के लिए. तो इन बच्चों के साथ रह रहे के मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि मैंने खुद भी ग्रो किया है. इसका जो मेन बेसिस है यूनिटी डिसिप्लिन, जैसे कि आपने बाकी इंटरव्यूज़ में भी स्पीकर्स से सुना था, प्रिंसिपल मैम से सुना था, कहीं ना कहीं एवरीडे लाइफ का बेसिस ही यही है, डिसिप्लिन, यूनिटी, सबको एकजुट लेके रहना, सबसे एक साथ मिलके रहना. तो डेफिनेटली इट्स जस्ट बीन अ फैबुलस एक्सपीरियंस एंड आई कैन से दैट एनसीसी इन दिस कॉलेज मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स जिन्होंने ने बहुत ज़्यादा हमारे एनसीसी को सपोर्ट किया है, आपने देखा ही होगा. एंड क्योंकि शी बिलोंग्स फ्रॉम द फोर्सेस, तो उनके अंदर वो जज्बा, वो पैशन है एनसीसी को लेके. एंड डेफिनेटली आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस. आइए हम सुनते हैं एनसीसी के गीत. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, ओह एक है. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. हमने देखा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के एनसीसी के 5th एनुअल फेस्ट को. ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फोरम 4. मैं पुष्पा, कैमरामैन जयदीप के साथ.